वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं आजकल, और इंडियन पॉलिटी के साथ साथ हम इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज रुका है, वो भी आपको अपकमिंग जो भी लेक्चर मिलेंगे जल्दी ही मिल जाएंगे। और इंडियन पॉलिटी हम पढ़ रहे थे लक्ष्मीकांत का सिक्स एडिशन। हमने प्रीएम्बल का पार्ट वन और पार्ट टू पार्ट पढ़ चुका था, और पार्ट थ्री पार्ट जल्दी आएगा, आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पे आप ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके होंगे या टाइटल में देख चुके होंगे। टाइटल क्या है यहाँ पे, आज हम भारतीय संविधान के जितने भी भाग हैं और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो आर्टिकल अनुच्छेद है, मैं आपको यहाँ पे एक सरसरी निगाह से मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं काफ़ी क्रमबद्ध हैं, और इस क्रमबद्ध चीज़ों के अकॉर्डिंग ही मैं अपना जो लेक्चर होगा मैं आपको बताऊँगा कैसे भाग वन से स्टार्ट करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भाग 22 तक, भाग 22 यानी भाग 22 तक हमको जानने की आवश्यकता है, वो चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा इस लेक्चर में, इंडियन पॉलिटिक लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल और लिखित संविधान अपने देश का संविधान भारतीय संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद मूल रूप से, जब अपने देश का संविधान स्टार्टिंग में प्रारंभिक समय जब तत्कालीन टाइम में बन कर तैयार हुआ था, उस समय 395 आर्टिकल थे और अनुसूचियाँ कम थी, लेकिन इस समय 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। उसमें भाग भी कम थे, इस समय 22 भाग हो गए हैं, यानी मिला जुला के 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूची आपको आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 395 आर्टिकल्स जो है कंप्लीट आपको लर्न चाहिए, नहीं, आपको जो आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं आपको लेक्चर में तो प्रोवाइड कराऊंगा ही, साथ साथ जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा, आप जो मेरा लेक्चर सीरीज देखेंगे इसी बेस्ड होगा, कैसे हम संघ अमराज क्षेत्र को आर्टिकल फर्स्ट से स्टार्ट होकर फोर्थ तक ले जाएंगे, फिर सिटीजनशिप नागरिकता 5 से लेकर 11 तक, फिर फंडामेंटल राइट्स आपका 12 से 35 तक, फिर DPSP 36 से 51 तक, इस तरह अपना लेक्चर सीरीज चलेगा जो कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी के अकॉर्डिंग ही है। और उसके साथ साथ ये आपके जितने भी वन डे एग्जामिनेशन है, चाहे UP SSSC हो, चाहे UPPCS हो, चाहे BPSC, चाहे MPPSC, चाहे RAS एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं उसके आपके प्रीलिम्स में फैक्ट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं, बन सकते ही नहीं, बने हैं, नहीं यकीन है तो जाइए और प्रीवियस ईयर उठा के देखिए। उसमें क्वेश्चन ये भी बना है भाग 6 में, संविधान भारतीय संविधान के भाग 6 में किसका जिक्र किया गया है, राज्य के प्रशासन से रिलेटेड, राज्य के शासन से रिलेटेड जिक्र 152 से लेकर 237 आर्टिकल में किया गया है। ऐसे ही पूछ दिया है संविधान का संशोधन है और भारतीय संविधान में किस भाग में जिक्र किया गया है, तो संविधान का संशोधन भारतीय संविधान के भाग 20 में जिक्र किया गया। फिर पूछ देता है भाग 15 में, भारतीय संविधान का जो भाग 15 है पार्ट 15 है, उसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया, जो आर्टिकल 324 से लेके 329 तक उसमें दिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप इसे अवश्य देखें और इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे 2 या 3 या 4 बार देखें तो आपको लर्न हो जाएगा, आपको मेमोराइज हो जाएगा। देखिए फैक्ट से जब आप याद करेंगे, यदि आपको फैक्ट भूल जाता है तो आप परीक्षा हाल में आप रिमेंबर मेमोराइज या रिकॉल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप फैक्ट पे ना याद करके आप ऐसे ही चीज़ों को 1, 2, 3 या 4 या 5 टाइम्स आप इसे बार बार अपनी निगाहों अपनी नज़रों से जब गुजार लेंगे तो आपको इसे इजिली आसानी से याद हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ इसमें 22 पार्ट हैं तो आप 22 पार्ट को ही पूरा लर्न कीजिए, बस वही पार्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे भाग 10 तक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको आने ही चाहिए, इसमें कुछ भाग 15 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और भाग 14 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, और बाकी सब चीज़ें अब भाग 20 इंपॉर्टेंट हो जाता है और भाग 18 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जब आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ इस वाले पार्ट से क्वेश्चन लगभग अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप वो भाग आपको याद करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ 22 भाग एकदम ऑन टंग आपको याद होना चाहिए, भाग दो भाग 22 ऐसे कंप्लीट ऐसे नहीं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं भाग वन। भाग वन में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड किया गया, भाग वन में संघ अपने जो इंडिया है और उससे रिलेटेड जितने भी स्टेट्स हैं उसका जिक्र किया गया है संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, ये भाग एक हो गया। भाग दो में नागरिकता इंडियन सिटीजनशिप को लेकर बात किया गया है, जब भारत का नागरिक कौन बन सकता है, उसे कौन कौन से क्राइटेरिया आपको पास करने होंगे और किस आर्टिकल में जिक्र किया गया 5 से 11 तक, ठीक है। भाग 3 में बात किया गया मौलिक अधिकार जो कि हमारे संविधान का आत्मा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर मौलिक अधिकार के आर्टिकल 32 को ही संविधान का आत्मा कहते हैं, यानी मिला जुला के जो मौलिक अधिकार है अपने संविधान का आत्मा, और हमारे लिए तो बहुत कुछ है, आप आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ये 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 में नीति निदेशक तत्व है, DPSP है, डायरेक्टिव
प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशकता, तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। भाग 4 ए यहाँ पे एड हुआ है बाद में, उसमें आपका 51 ए जोड़ा गया, आर्टिकल 51 ए जोड़ा गया है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं भाग 4 ए में, ठीक है। भाग 5 में संघ, यानी जो अपना यूनियन है, अपना जो संघ है, उसके प्रशासन शासन का जिक्र अनुच्छेद 52 से लेकर 51 तक यहाँ कंप्लीट होता है, 52 से लेकर 151 तक जिक्र किया गया। भाग 6 में राज्य के शासन प्रशासन से रिलेटेड 152 से लेकर 237 अनुच्छेद तक जिक्र किया गया। भाग 7 में पहली अनुसूची भाग ख राज्य हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, 238 आर्टिकल में जिक्र किया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 9 में संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड आर्टिकल 239 से 243 तक जिक्र किया गया। भाग 9 में पंचायत से रिलेटेड जिक्र किया गया, आर्टिकल 243 क से लेकर 243 र तक, ठीक है। और वहीं नीचे एक भाग जुड़ा है, भाग 9 ए में, जो नगर पालिका की बात करता है, नगर पंचायतों की बात करता है, नगर पंचायत की बात करता है, जो 243 र से लेके 243 छ तक फिर से स्टार्ट होगा, कौन, ये भाग 9 ए नगर पंचायत 243 से लेके उसी तरह 29 विषय इसमें जोड़ सकते हैं, उसका जिक्र किया गया है भाग 9 और भाग 9 ए। फिर भाग 10 आता है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, जितने भी स्केड्यूल वाले ट्राइबल वाले एरिया हैं, 244 क में उसका जिक्र किया गया है। इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके साथ साथ ये भाग 9 और भाग 9 ए याद करने की आवश्यकता है। फिर भाग 11 में क्या दिया है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, मतलब स्टेट और सेंटर के बीच रिलेशन क्या होंगे, आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक जिक्र किया गया है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद 264 से लेकर 300 ए तक का उसमें जिक्र किया गया है। भाग 13 में भारत के राज्य के भीतर जितने भी ट्रेड किए जाते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, उसको लेके यहाँ पे जिक्र किया गया है, आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो भी सेवाएं, स्टेट पीएससी यूपीएससी, उससे रिलेटेड 308 से लेकर 323 तक जिक्र किया गया है। भाग 15 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होगा, उसकी शक्तियाँ क्या क्या होंगी, वो क्या क्या कर सकता है, 324 से लेकर 329 तक जिक्र किया गया, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और भाग 16, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए, कुछ सेक्शंस और कुछ क्लास ऐसे हैं उनके लिए स्पेशल कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में दिया गया, आर्टिकल 330 से लेकर 312 तक, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भाग 17 में राजभाषा से रिलेटेड दिया गया, 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक जिक्र करता है। भाग 18 में आपात उपबंध, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाग 18 में इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ क्राइटेरिया, कुछ आर्टिकल है 352 से लेकर 360, उसके बारे में जिक्र किया गया है। भाग 19 में प्रकृत 361 से लेकर 367, बकवास, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भाग 20 में संविधान का संशोधन, आर्टिकल 368, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान का संशोधन 368 का जिक्र किया गया है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 369 से लेकर 392 तक जिक्र किया गया है। भाग 22 में आपका संक्षिप्त नाम प्रारंभ दिखाई नहीं दे रहा होगा, भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी से प्राधिकृत पाठ वगैरह 393 से लेकर 395, ये भारतीय संविधान के मूल 395 आर्टिकल्स में जिक्र किए गए हैं, जो मैंने आप यहाँ को भाग 22 के तहत मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इसमें सारे आपको लर्न नहीं करने, सारे आपको याद नहीं करने, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ऊपर से 5-10 तो याद आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप भाग 15 को याद कर लें, भाग 14 को याद कर लें, भाग 11 अगर पॉसिबल है तो याद कर लें, फिर भाग 18 इंपॉर्टेंट याद कर ले, फिर भाग 20 इंपॉर्टेंट याद कर ले, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 4 से 5 और 3, 4 से यहाँ पे याद कर सकते हो, 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये तो आपको ऑन टंग मुजमानी ही पूरे आपके टंग पे ही होने चाहिए, 1, 2, 3, 4 भाग 4, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे भाग 9 और भाग 9 और भाग 9 ए, मतलब भाग 9 और भाग 9 ए आपको दोनों याद हो जाने चाहिए, और 10 भी आपको अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड है, और आपको याद हो तो और बेटर है। ये थे भारतीय संविधान के भाग और उससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है, उसको मैंने यहाँ पे आपको एक सिस्टमेटिक वे में आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ताकि आप लेक्चर देखें तो आप उसे ऐड कर सके, कि कैसे पार्ट 1 से, मतलब भाग 1 से स्टार्ट किया गया, और कैसे कैसे जो जो
चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बीडीओ, आरओ, एआरओ, बीपीएससी, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वन डे, उनके प्रीलिम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये लेक्चर सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।